بسم الله الرحمن الرحيم سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سنا حكم الله نلبول داسی
सोना हुकम अल्लाह नल बोल दासी नाले मोती तो ही दरोल दासी ओए ओ दम बोल ना रब दा कुरान आया ओए ओ दम बोल ना रब दा कलाम आया कायनात दा बन के इमाम आया हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह रब रहमान वास्ते दुरूद ओ सलाम इमाम में कुल खत्म और रसूल इंसानियत दे मुअल्लम आज़म कायनात दे रहबर और रहनुमा मेरे तुआडे दिलां दी बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प्यार नको सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते गिरामी मोहतरम बुजुर्गो अजीज साथियों नौजवान भाइयों पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाले इज्जत दिलाए एहतराम दिलाए मेरी माओ और बहनों आज मोरखा 30 सितंबर 2022 दा अजीम शान खुतबा जुमातुल मुबारक वादे के मुताबिक सीरत इमाम बुखारी व अजमत सही बुखारी शरीफ दुआ फरमाओ अल्लाह हक सच बयान करने दी तौफीक अता फरमाए आज तक तुहानू नहीं दसिया किसी ने कि बुखारी किनू किया जांदा है इंशाअल्लाह और रहमान अज मैं दसना सही बुखारी है की है उलमाए किराम अपनी तकरीर अंदर ये बात बार बार फरमाते ने कि यह बुखारी दी सही रवायत है बुखारी दी सही रवायत आओ जरा तवज्जो फरमाओ सही बुखारी इहदे अंदर कुल रवायतां ने 7563 किनिया बोलो किनिया 563 और इस किताब अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फजलो करम दे नाल कोई भी ज़ईफ रवायत है ही आओ इनू लिखने वाले दा सब तो पहले तारफ करवावा उस तो बाद सही बुखारी वाल लेके जावा जिन्ना इन्हां नू लिखी है उन्हां दा नाम है मुहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदेस बे हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 13 शवाल 194 हिजरी जुमे दी नमाज दे बाद बुखारा अंदर पैदा होए और अल्लाह ताला ने बड़े बड़े नेक इंसान पैदा फरमाए बड़िया बड़िया शाना बड़े बड़े मुकाम मिले लेकिन मैं कुर्बान जावा जड़ी शान हजरत इमाम बुखारी नू मिली है अल्लाह ने हजरत इमाम बुखारी नू हदीस और इलम दी वजह करके दुनिया अंदर शोहरत अता फरमा दी है आओ हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दी कुनियत है अबू अब्दुल्ला हालांकि इन्हां दा कोई बेटा अब्दुल्ला नहीं सी इन्हां नू हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अनहो दे नाल बेपनाह मुहब्बत सी इन्हां हजरत हुसैन दी कुनियत भी अबू अब्दुल्ला सी इन्हां भी इन्हां दी कुनियत भी की है अबू अब्दुल्ला हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
किसी ने फरमाया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नू फरमांदे ने, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, अल्लाह ताला ने मैनू हदीस हिफ्ज़ करन दा शौक दे के पैदा फरमाया है। फिर कितने जहीन सन, सुभान अल्लाह। आओ बचपन तो गल शुरू करा, बचपन दुनिया ते आए नहीं, बाप दुनिया तो जा चुके हैं, खुद भी मुहद्दस ने, बाप भी मुहद्दस ने, और इन्हां दा लकब है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। अमीरुल मोमिनीन किनू क्या जांदा है? जिदे को पिंडा शहरां दी हकूमत होवे, मुल्कां दी हकूमत होवे। मैं कुर्बान जावा बुखारी तेरी अजमत तो कुर्बान जावा, बुखारी दी हकूमत लोगां दे दिलां ते हकूमत। आओ जरा तवज्जो फरमाओ, हजरत इमाम बुखारी दुनिया कायनात ते आए, अखां दी बनाई खत्म, ते मां है ना, मां दा दिल बड़ा करदा है, मालिका मैं मां, मेरा दिल करदा सी मेरा पुत्र आलिम बने, मेरा पुत्र हाफिज बने, ते बाप तेरा मुहद्दस बने। ते मां दुआवां कर रही है, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, मां बियारी अपने बेटे वास्ते दुआवा कर दिए, मालिका खालिका मेरा दिल करदा सी मेरा बुखारी पढ़ लिख के जदो जवान होएगा, इनू मैं तेरा कुरान पढ़ावांगी, इनू मैं तेरे नबी दी हदीस बढ़ावांगी। मां ने 2 साल तक दुआ कर छड़ी, मां दुआ कर दिए, सुबह दुआवां कर दिए, तहज्जुद टाइम उठ के मां इन्हां दी दुआ कर रही है, मेरे मालक ने 2 साल बाद इमाम बुखारी नू अखां अता कर छड़ियां ने। मां दियां दुआवां रंग ले आईया, आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दा यार बुखारी फिर कौन बुखारी, आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, जदो मेरे पैगंबर दी हदीस लिखिया कर दे, हजरत बुखारी खुद फरमांदे ने कि मैं पहले गुसल कीता करदा, फिर इस्तिखारा फरमाया करदा, इस्तिखारा करके मैं अल्लाह नाल मशवरा करके नबी दी हदीस लिखिया करदा। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, जरा गौर फरमाया जे कौन सैयद बुखारी दा मुअल्लफ है, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह जदों दुनिया कायनात तो गए ने, हजरत अब्दुल वाहिद बिन आदम तवा वैसी रहमतुल्लाहि अलैह फरमांदे ने, मैनू ख्वाब आया, ख्वाब अंदर मैं की वेखना वा के मेरे आका अपने सियाबा दे अमरा खड़े ने, किसे दा इंतजार कर रहे ने, किसे दा इंतजार कर रहे ने। मैं पूछिया सोने नबी जी किदा इंतजार हो रहा, फरमाया मैं अपने एक नबी पाक सलाम ने फरमाया मैं इमाम बुखारी दा इंतजार कर रहा वा, हजरत अब्दुल वाहिद बिन आदम तवा वैसी रहमतुल्लाहि अलैह फरमांदे ने, जदों मैनू पता चलिया चंद साल गुजरन दे बाद, चंद दिन गुजरन दे बाद मैनू पता चलिया कि इमाम बुखारी दुनिया तो रुखसत हो गए, इमाम बुखारी दुनिया छोड़ के चले गए ने। ओहो टाइम सी जिस वक्त अंदर मैनू आमिना दे लाल मिले सन, यार जेड़ा नबी दियां हदीसां नाल प्यार करदा है, नबी दियां बातां नूं सीने नाल लांदा है, नबी पाक दियां गल्लां नूं मनदा है, नबी पाक ओहदा इंतजार फरमांदे ने।
आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे पैगंबर दा यार बुखारी है। रब ने फिर सीन कैसा अता फरमाया इमाम बुखारी नो रहमतुल्लाह अलैह। आओ जरा तवज्जो करे आजे, बगदाद शहर है, बगदाद शहर अंदर गए इंज मजलस लगी हुई है, पता चलिया कौन आ रहा है, फरमाया मुहद्दस आ रहा, कौन आ रहा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस आ रहे ने, कौन आ रहा इमाम बुखारी आ रहे ने, इंज कलीन विच ने, कलीन विच लोग इंतजार अंदर बैठे ने, कदों बुखारी आए असी इंतजार अंदर आ। थोड़ी देर गुजरी है, एक छोटा जिहा बच्चा आया है, ए छोटा जिहा बच्चा लोगों ने वेख्या आ मुहद्दस है, हाँ ए कोई मुहद्दस है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। हले उम्र 16 साल दी उम्र है, 16 साल उम्र है, इंज वेखिया ना के जनाबे वाला बड़े बड़े शेख बैठे हुए ने, बड़े बड़े आलिम बैठे हुए ने, हुण इमाम बुखारी का इम्तिहान लैन लगे ने, ए जनाबे वाला इन्हां 10 बंदे तैयार किते, 10 बंदे तैयार किते, एक नू जनाबे वाला मतन दे छड़िया, एक नू हदीस दे छड़ी, ते हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जनाब ये जड़े 10-10 बंदे इन्हां तैयार किते सन, एक नू जनाब 10 हदीसा, एक नू 10 हदीसा, एक नू 10 हदीसा, टोटल 100 हदीसा, किनिया 100 हदीसा गुट मुट करके जनाबे वाला गलत मलत करके इमाम बुखारी दे सामने पेश कर छड़िया। ए बैला आए, ए आके हजरत इमाम बुखारी दा इम्तिहान लैन लगा, आंदा ए हदीस दे बारे की तुहाडा की ख्याल है, हजरत इमाम साहब फरमा दे ला आरिफ, ओए मैं नहीं जानदा, मैं नहीं जानदा, मैं इसे बारे कख नहीं जानदा। ए जनाब दूसरा आया, हजरत इमाम साहब फरमांदे ने ला आरिफ, मैं नहीं जानदा। तीसरा आया, इमाम साहब ने एको फरमाया, यार गल्लां करन लग पे लोग गल्लां बनान लग पे, इनू तुसी मुहद्दस कहिंदे हो, मनन वाले मनिया भी, जिन्ना गल्लां करनिया उन्ना गल्लां कीतिया, पिछों कुछ बोल के आंदे ने चलो वहम। लगता है आदमी समझ चुकिया है, लगता है बच्चा समझ चुकिया है, ऐ मेरे आका दा यार खड़ा होया है, इमाम बुखारी खड़े होए, आंदे ने पहले नू बुलाया गया, हजरत इमाम बुखारी ने जेड़िया उन्हें गलत हदीसा सुनाइया सी, इमाम बुखारी ने फरमाया ऐ तू सुनाइया ने असल अंदर ये हदीसा एवें आ। सो हदीस इमाम बुखारी ने एक बार सुनी, गलत भी सुना छड़िया, ते सही करके भी सुना छड़िया ने। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, तवज्जो करे जे इमाम साहब दे ज़हन दी गल कर रहे, नौजवानो मुसलमानो पाक नबी दे गुलामो हिफ्ज़ जनाबे वाला कितना शौक है। आओ जरा गौर फरमाया जे, इमाम साहब अले 10 साल दी उम्र, 10 साल दी उम्र है, फरमा देने मैं रब दा कुरान दा हाफिज बन गया वा। हजरत इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम वकी दियां किताबां भी मैं हिफ्ज़ कर चुकिया वा। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, ओए लोगो हाफिज़ ऐवें नहीं मिलिया, आओ इहदी इक जड़ बयान करा। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, इमाम साहब दे वालदे मोहतरम मुहम्मद बिन इस्माइल फरमांदे ने मैनू ए यकीन बल्कि ए बड़ी दूर दी गल है, मेरे माल अंदर हराम आ जाना बड़ी दूर दी गल है, शक भी नहीं है।
असी जिवें आने कमाने अपनी औलादा नूं खवाई जा रहे वा, ओ सोने होए कोई वजह साढ़े अपने बेटे साढ़े ना फरमान हो गए ने। वजह की असी अपने बेटियां नूं हलाल तो बड़ा दूर कर छड़िया है। इमाम अहमद बिन हाफस फरमांदे ने जदों इमामे बुखारी रहमतुल्लाही अलैह इन्हां दे वालद इस्माइल इन्हां दी वफात दा वेला करीब आया, मैं पूछिया हजरत जी हजरत इस्माइल फरमांदे ने मेरे उस्ताद अबू अहमद हाफस गल सुनिया जे मेरे माल अंदर हराम ते बड़ी दूर दी गल ए, शुभा भी नहीं कीता जा सकदा। सोने जान दो वफात दे वेले बंदा ज्यादा सचियां गल्लां करदा है। हजरत इमाम अहमद बिन हफ्स फरमांदे ने के ए ते गल मैं भी नहीं कर सकदा सां, ते जिन्ना दे माल हराम दे नहीं हुंदे उन्हां दे पुत्र बुखारी पढ़ जांदे ने। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना और फरमा लेना, इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया हदीसा इमामे बुखारी ने फिर लिखनिया शुरू कर छड़िया। हजरत जनाबे वाला अल्लामा अद्दाखली रहमतुल्लाही अलैह मेरे अबू इमामे बुखारी रहमतुल्लाही अलैह अल्लामा अद्दाखली दी कलाच बैठे ने, उस्ताद दे सामने 11 साल दा बच्चा बैठा है, ते उस्ताद पढ़दे ने सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम, ते इमामे बुखारी फरमांदे ने अन अबी जुबैर लम यारो अन इब्राहिम। फरमाया उस्ताद जी जुबैर इब्राहिम कोलो ते रवायत कोई नहीं करदा। उस्ताद दी गलती कर दिती सोनिया, गलती छोटा कटे वड्डा कटे मन जाया करो, गलती ते गलती होया कर दिए। उस्ताद ने बैठे हुए क्लास अंदर उठे ने जाके असल किताब तो वेखिया, फरमाया कई बोला उस्ताद बेटा अल्लाह तेरे वर्गे अल्लाह और बच्चे पैदा कर छड़े। नेक बच्चा है ना नेक, ते वेखण वाले दुआ देंदे ने मालिका सोनिया खालिका सोनिया जिवें दा ए नेक बेटा है अल्लाह सोनिया सानू भी इंज दे नेक औलाद अता फरमाए। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना गौर फरमा लेना, हजरत इमामे बुखारी जदों फौत होए जदों इस दुनिया नूं छड़ के इमामे बुखारी रहमतुल्लाही अलैह गए, हजरत इमाम साहब जदों कबर अंदर रखिया गया ते विचों अंबर ते कस्तूरी दिया खुशबूआं आ रही सन, एवें खुशबूआं नहीं आईया इन्हां सारी उम्र नबी पाक दियां हदीसां नूं सीने नाल लाई रखिया है। यार मां ने दुआ कीती है ते मां दियां दुआवां दा नतीजा, ओ मावां केड़ियां ते आउण कुरान दियां झड़ियां ला छड्डा। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल कानितीन वल कानितात والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. ماما दिन रात रब अगे रोण वाली हैं, ओ मावा दिन रात इको रब अगे पुकारा सटन वाली हैं। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, इमाम कायनात ते रब ने कुरान उतारे आ। आओ जरा कुरान दिया उन चढ़िया लंबा जावा, फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह 16 साल दी अर्जी अंदर सही बुखारी लिख छड़ी है। ते सही बुखारी जिन्हों अज उलामा इकराम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ये सही बुखारी है। मैं रात पढ़िया सा हजरत अब्दुल रहमान इमाम अब्दुल रहमान निसाई रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने के सारिया हदीस दिया किताबा चो अगर अफजल किताब दे मुहम्मद बिन इस्माइल दी सही बुखारी है। मुहम्मद बिन इस्माइल दी सही बुखारी है। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, फिर बुखारी केड़ी बुखारी हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी किते बैठ के। आओ उन कुरान सुने आजे, वामिन आइस खरज तो फवल्ले वजहा का शतर अल मस्जिद हराम। किथे लिखी? मस्जिद हराम अंदर बैठ के लिखी। कुछ अबवाब मदीने पाक अंदर लिखे, अल्लाह तुहानू मक्का भी वखाए ते मदीना भी वखाए। ते मदीने अंदर उस जगह ते लिखी जिदे बारे नबी ने फरमाया, मां बैना बैती व मिंबरे रौदतुम मिन रियाज़िल जन्नत। फरमाया जिदे बारे सोने नबी ने फरमाया, आ जेड़ी मेरी मिंबर तो लैके उजराया शादक जिन्नी जगह है, जन्नत दे टुकड़िया चो एक टुकड़ा है। पता चलिया बुखारी लिखी गई जन्नत अंदर बैठ के लिखी गई। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, गौर फरमाया जाए ना, इमाम कायनात ते रब ने कुरान उतारे आ। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिद हराम। ए बुखारी मस्जिद हराम अंदर लिखी गई। आओ सैयद बुखारी का तारफ करवांदा जावा, एदा नाम रखिया अल जामिउ सही उल मुसनद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननी व अय्यामिही। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, अल जामे किनू किया जांदा है जिदे अंदर 8 किस्म दियां हदीसां पाईयां जा, सही किनू किया जांदा। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, ओए वीरो ए बुखारी मुकम्मल बुखारी, ए मेरे पैगंबर दे इरशादात ने, ए मेरे पैगंबर दे पैगामात ने, ए मेरे पैगंबर दे एदे अंदर जनाबे वाला। मेरे पैगंबर ने कदम कदम से तुहानू सबक सिखाया है, ए केड़ी सही उल बुखारी है जिदे बारे कुरान ऐलान कर रहा है, अल्लाहु नज़ला अहसन अल हदीस। मेरे नबी अली सलातो सलाम, मेरे अल्लाह ने फरमाया असी सोने नबी ते बड़ी सोहनी हदीस नाजल फरमा छड़ी है।
पता चले नबी दी जुबान चो निकले मोती भी हदीस ने कुरान भी हदीस ते नबी दी जुबान भी बोलो आओ जरा तवज्जो फरमा लेना नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जरा तुफी कुम अमर लो मातमस्तो मीमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल ही फरमाया मेरे सोने नबी पाक अली सलाम ने फरमाया ओए लोगो मैं तुहाडे अंदर दो चीजा चढ़ के जा रहा वा जब तक इन्हों मजबूती नाल पकड़ी रखोगे जब तक इन्हों मजबूती नाल थामी रखोगे तुसी कदी गुमराह नहीं होवोगे सोने नबी जी ओ केड़ियां दो चीजा ने फरमाया मैं एक रब दा कुरान चढ़ के जा रहा वा एक मुस्तफा दी हदीस चढ़ के जा रहा वा फरमाया एक कुरान ने एक अपनी जुबान चो निकले मोती ने ओ वीरो लड़ना नहीं झगड़ना नहीं जदों तुहाडा तनाजा पै जाए जदों तुहानू कोई मसला पेश आ जाए उदों रब दा कुरान खोलना है या मुस्तफा दा फरमान खोल लिया जे क्योंकि कुरान कहंदा है फाइन तनाजा तुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल फरमाया जदों तुहाडा तनाजा पै जाए उदों अल्लाह ते उहदे रसूल वल लौट के आना आपस अंदर गिरेबान पकड़ने आपस अंदर बहसो तकरार करना नहीं करना आओ जरा तवज्जो फरमा लेना ते हजरत इमामे बुखारी रहमतुल्लाही अलैह जान दे इन्हां नूं किन्नियां हदीसां याद सन मेरे पैगंबर दियां 6 लख हदीस दा हाफिज बुखारी सी किन्नियां साढ़े बच्चियां नूं ते दुआवां नहीं आउंदियां अगर यकीन जानो गुस्सा ना करो तो मैं ये भी कह सकना वा कि यार मैनू तेनू जनाजे दियां दुआवां नहीं आउंदियां असीं अपने मापियां नाल धोखा कर जाने आ ते इमामे बुखारी ओ शख्सियत ने जिन्हां नूं नबी पाक दियां 6 लख हदीसां जुबानी याद ने मेरे इमाम ने सही बुखारी लिखी आज हर तरफ हर मदरसे अंदर सही बुखारी पढ़ाई जा रही है आओ जरा तवज्जो फरमा लेना सही बुखारी दी आखरी रवायत पढ़न लगे वा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अनु इस रवायत दे रावी ने फरमांदे नबी पाक ने फरमाया काली माता ने अभी बतान इलर रहमान सकीलतान फिल्मी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने कालिमतानी हबीबतानी इलर रहमान फरमाया दो कलमे ऐसे ने किन्ने दो कलमे ऐसे ने जेड़े मेरे अल्लाह नु बड़े प्यारे लगदे ने मेरे अल्लाह नु बड़े महबूब ने मनीर साहब फरमाया कालिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खबीबतानी अलल लिसान फरमाया ओ जुबान अंदर ते बड़े हल्के ने लेकिन कल कयामत दा दिन होवेगा जदो तराजू अंदर रखा जाएगा ओ सब डालो वजनी बन जावणगे ओ केड़े कलमे ने जरा पढ़िया जे सुभान अल्लाह
مبارک افضل صاحب پڑھو ذرا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم فرمایا جڑا ایک دن اندر 100 باری پڑھ لے گا میں مشکات اندر بھی پڑھیا جڑا ایک دن اندر 100 واری الفاظ دہرا لے گا اگر اندے سمندر دی جگ دے برابر بھی گناہ ہون گے اللہ معاف کر چھڈے گا اللہ تے بہانے لبدا سونیا اللہ آندا آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے سنا دیا آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے کیوں در در ٹھوکرا کھانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ اوے مینوں ملنے دا لگدا کرایا نہیں ایمان نہ دسو کرایا لگدا اللہ نوں ملن دا اے مسجد تے آئے او کرایا لگا مینوں ملنے دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں بوے چوکی دار بٹایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ آؤ ذرا توجہ فرما لینا سونےو علم سیکھیا کرو علم سیکھیا کرو کدی کدی علم دیاں گلاں بھی سیکھیا کرو اوے ویرو کدی سلف صالحین دے واقعے پڑھیا کرو اوے نوجوانو مسلمانو پاک نبی دے غلام اوے ویرو جدوں تسی اپنی بیک گراؤنڈ ویکھو گے جدوں انہاں لوکاں دے قصے پڑھو گے جنہاں پتے کھا کے دین دا علم حاصل کیتا جدوں انہاں وال ویکھو گے جنہاں فقیر بن کے علم حاصل کیتا اونا وال ویکھو گے جنہ جناب والا نبی پاک دی ایک ایک حدیث لین واسطے کئی کئی سال سفر کیتے یقین جانو تانوں نبی دی حدیثاں دا شوق پہ جائے گا تانوں پیغمبر علیہ السلام دی حدیثاں پڑھن پڑھان دا شوق پہ جائے گا مینوں یاد آیا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دے استاد علامہ بکندی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے جدو بخاری میری کلاس اندر آیا کر دے سا تے مینو بھی حدیث بیان کرن لگے ڈر لگنا شروع ہو جاندا سی تے جان دیو کنے استاد کول علم حاصل کیتا ہے 1080 استاد کولو علم حاصل کیتا ہے اسی تے ایک استاد کو بیٹھ جی اسی اون دے تو اک جاندے کنے اسی پڑھ لے لیکن سونےو اپنے استاداں دا بھی احترام کریاں کرو نوجوانو اگر چاہندے ہو نا اسی عالم بن جائیے عالم دا معنی ہوندا ہے جاننا پہچاننا چاہے دینی ہوئے یا دنیاوی تعلیم ہوئے جیڑا آدمی جیڑا انسان اپنے استاد دا ادب نہیں کردا او کدی فیض یاب نہیں ہو سکدا استاد دا احترام لازمی ہے آؤ ذرا توجہ فرما لینا سلمان بن حرب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جدو امام بخاری آیا کر دے سن امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما دینے جدو امام بخاری آنے سانو ڈر لگدا سی کتے ساڈے کوئی غلطی نہ ہو جائے اتنا حافظہ کبھی امام بخاری دا وجہ کی سی امام بخاری دا خون حلال دا سی مال بھی حلال دا سی حرام شامل نہیں سی آؤ ذرا توجہ فرما لینا ایک دن بیٹھے بیٹھے شاگرداں نے ایک گل کیتی فرمایا کہ امام اسحاق بن راہوے انہاں دے زمانے اندر انہاں دا قول ذکر فرمایا فرما دینے وہ اپنے زمانے اندر ایک آدمی نو ویخ دینے جنہوں نبی دیاں 70,000 حدیث حافظ نے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما دینے
शायद कि उस जमाने अंदर कोई ऐसा मुहद्दस भी होवे जिन्हों नबी दियां 2 लाख हदीसां जुबानी याद ने। इमाम बुखारी ने आपदे वल इशारा फरमाया, आओ जरा आखिरी गल्लां सुने आ जे नबी पाक दियां हदीसां दी गल करे आ सोने ओ। नबी दियां गल्लां मन्निया कर मन्निया कर मन्निया कर, अज दुनिया ते तू नबी दियां मन लवेगा, कल कयामत दा दिन होएगा, मैदाने माजर सजिया होएगा, ओए वीरो जिते कोई तेरी बाजू नहीं पकड़ेगा, कल कयामत दा दिन होएगा, आमिना दे लाल तेनू पकड़ के रब दे जन्नत अंदर ले जाणगे। मान के वेखो सियाबा ने नबी पाक दियां मनिया ने, सियाबा ने मनिया नबी पाक दियां। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, इमामे बुखारी रहमतुल्लाही अलैह इस दुनिया ते चलदे फिरदे अल्लाह दी इक निशानी सन। मैं पढ़िया सा इमामे बुखारी रहमतुल्लाह फरमांदे ने, ऐसा कोई सियाबी नहीं, ऐसा कोई ताबी नहीं जिदे बारे मैनू ये ना पता हो कि वह पैदा कित्थे होया है, उसकी पैदाइश कित्थे हुई है और उसकी वफात कित्थे हुई है। इमामे बुखारी अल्लाह ने बड़ा हाफजा दिता, बड़ा इलम ना नवाजिया। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, इमामे बुखारी रहमतुल्लाही अलैह, इमामे बुखारी रहमतुल्लाही अलैह के शगिर्द कितने सन, डायरेक्ट जिन्होंने इन्हें सही बुखारी पढ़ाई, 90,000 साल बेलमान इन्होंने सही बुखारी का दरस दे छड़े आए। किन्ने 90,000। एक शौक हुंदा सी यकीन जानो जो लोग इलम सिखिया करते सन, लोग इलम सीखन वास्ते दूर दूर आते सन। मैं तो देखे यकीन जानो सुबह फजर तो लैके जोर तक हदीस दिया क्लासा लगिया कर, हुण ते हदीस का शौक खत्म हो गया। अल्लाह सानू शौक वाला बनाए, अल्लाह सानू कुरान का शौक अता फरमाए, हदीस का शौक अता फरमाए। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, हजरत इमामे बुखारी की गल करें रहमतुल्लाही अलैह, हजरत इमाम साहब जब दुनिया तो गए ने इन्हां दी कबर चो खुशबूवां आ रही, लोग आंदे आके मट्टी उठा के ले जाने, आखिर का लकड़ी का जंगला बना दिता गया। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, मैं ते कहा करना जेड़ा पैगंबर दियां मणदा जांदा है, पैगंबर दियां दी सनल प्यार करदा रहिंदा, ओए वीरो अपनी मनमानी नहीं करदा, जो नबी ने फरमाया उनु सीने ना लगांदा, मेरा अल्लाह दी दुनिया भी चमकाएगा ते आखरत भी चमका छड़ेगा। नबी दी गल चो झूठ निकलदा, नबी दी गल चो झूठ नहीं है ना, क्योंकि रब दा कुरान कह रहा वन नजम इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम व मा गवा वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा। मेरे आका अपनी मर्जी नाल बोल दे, मेरे आका अपनी मर्जी नाल नहीं बोल दे। हजरत इरबाज बिन सारिया रसी अल्लाह तआला अन्हो इस रवायत दे रावी ने फरमांदे ने, एक दिन मेरे आका ने सानू नमाज बड़ा छड़ी है, मेरे आका ने बड़ा दुखी वाल फरमाया, मेरे महबूब नबी ने बड़ा दुखी वाल फरमाया, सियापा आंदे ने साड़िया अखा चो आंसू निकलन लग पैने, साडे दिल डर गए ने असी रोन लग पे। आका जी आका जी अज इंज लगदे जिवें जिंदगी का आखिरी वाज कर रहे हो, इंज लगदे जिवें इस तो बाद तुसी दुनिया तो छोड़ जाओगे। सियापा आंदे ने उसी ना उसी को मैं सोने नबी जी सानू कोई वसीयत चा करो। ओए वीरो सियापा नू फिकर लगी है नबी दी जुबान चो कोई लफज निकल जावा, सियापा नू फिकर लगी है रब
दे जन्नत की फिक्र लगी है, सियापा नू फिक्र लगी है, रब दे जन्नम कोलो बचन की फिक्र लगी है। मेरे आका ने एक वसीयत की थी है, फरमाया पिता कवल्ला फरमाया ओ लोगो रब कोलो डरदे रहना है, अल्लाह कोलो डरदिया रहना है, अल्लाह कोलो डरदिया रहना है, अल्लाह कोलो डरदिया रहना है, हर दम रब कोलो डरदिया रहना है। तकवा तेरे दिल अंदर होना चाहिए। मेरे आका ने दूसरी वसीयत फरमाई, फरमाया अपने अमीर की इताअत करनी है। अगर इस्लामी हुकूमत होएगी तो अमीर की इताअत होएगी, अगर कोई फाशी फैलाने वाले की हुकूमत होएगी इंशाअल्लाह असीं कदी उन्हां दी इताअत करांगे। बोलो असीं इताअत करांगे। आओ जरा तवज्जो फरमा लेना, इमाम कायनात चढ़ा पे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने अमीर की इताअत करनी है, ते नाल मेरे आका ने फरमाया जदों तुहाडे अंदर इख्तिलाफ पै जाणगे, आपस अंदर झगड़े पै जाणगे, आपस अंदर लड़ाइया पै जाणगियां, सोने नबी जी उदों की करना है? फरमाया उदों रब दा कुरान पढ़िया जे। की करिया जे? कुरान पढ़िया जे, मेरी हदीस पढ़िया जे, मैं ते कहा करना उदों बुखारी पढ़िया जे, उदों बुखारी पढ़िया जे, नाल खुलफा राशिदीन अल महदी तमस्साकुम। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया तुसी इतने इख्तिलाफां दा डट जाओगे, उस वेले कुरान ते मेरी हदीस नू जफा मार लिया जे। जिवें बिन नवाजिद बोटी नू किया जांदा, ये दाणा नू नवाजिद किया जांदा, जिवें बोटी चबांदे उन्हां इस तरह दाणा दे नाल रब दे कुरान नू पकड़ लिया जे, नाले नबी दी हदीस नू पढ़ लिया जे। नबी ने फरमाया फिर तुसी इख्तिलाफां तो बच जाओगे। ओ वीरो वेंदे हो ना आंदे मौलवी जी समझ नहीं आउंदी, कोई उधर बुलांदा कोई उधर बुलांदा। ओ वीरो जी ने खबरां पढ़दे हो ना, जियो न्यूज पढ़दे हो ना, इस तरह रब दा कुरान पढ़िया करो, इस तरह मुस्तफा दा फरमान पढ़िया करो, खोलिया करो, इंशाल्लाह हक बात तुहाडे सामने आ जाएगी। हजरत यकूब अलैहि सलातु वसलाम ने जदों पुत्र दा कुर्ता खोलिया हक सामने आया सी कि नहीं आया? ना जदों कुरान खोलोगे तुहाडे सामने भी हक आ जाएगा। आओ जरा तो जो फरमा लेना, कुरान ते हदीस दो चीजा ने, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जदो रब दा कुरान होए, जदो रसूल दी इताअत होए, फिर रब दा ऐलान होएगा। कुरान सुनो, वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा وقال لهم خزنتها سلام عليكم। जदो जन्नत अंदर दाखले मिलनगे ते जन्नती उरां गणियां होणगियां, आखणगियां सलामुल अलैकुम। कुरान पढ़न वालिआं नूं ते हदीस पढ़न वालिआं नूं जन्नत दियां हूरां दा सलाम होएगा। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत सन जिन्हां सारी उम्र रब दे दीन अंदर लंघा छड्डी, सारी उम्र नबी दियां हदीसां ते लंघा छड्डी। ऐसी कोई हदीस नहीं जिते ते इमाम बुखारी ने खुद आप अमल ना कीता होए। केड़ा केड़ा वाकया मैं इमाम बुखारी दा सुनावां,
असल अंदर ये मौजू उर्दू जुबान अंदर सुनने वाले अल्लाह पाक सानू सही बुखारी और नबी दिया हदीसा मनन दी तौफीक अता फरमाए। आज दे खुतबा जुमा अंदर तुसी इतना ही सीख के ले जाओ कि अपने उस्ताद दा एहतराम करने, अपने उस्ताद दा ते वड़े छोटे दा एहतराम करने, और एक बात तकवा अपने दिल अंदर रब दा डर रखना है, अपने दिल अंदर रब दा डर रखना है। ओए किसी अगे सार झुका आन लगे हाँ, अपने रब दा डर रखना है, कल कियामत वाले दिन पूछिया जाना है। उस तो बाद तीसरी गल, अगर चौथी, अगर तुसी अपने रब को डरोगे ते रब तुहानू की देगा, वाली मन खाव मकाम रब्बे जन्नता, जेड़ा नमाज पढ़ता है ना उन्हू एक जन्नत, जेड़ा जकात देंदा है उन्हू एक जन्नत, लेकिन अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा मेरे को डरदा रहेगा उन्हू मैं दो जन्नता अता कर छड्डूंगा। अल्लाह सानू अपने को डरन वाला बनाए, अल्लाह सही बुखारी नाल प्यार करन वाला बनाए। वा आखिर दावा हुमनिल